आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हेडिंग और पैराग्राफ्स के बारे में बताऊंगा, उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एंकर टेक्स्ट के बारे में भी बताऊंगा। अगर अभी तक आप लोग को ये कोर्स ऑसम लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक्स ही ऐसे फ्री कोर्सेज लाने में मुझे हेल्प करेंगे। इस वीडियो में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि एक बुकमार्क वेबसाइट होगी। ये बुकमार्क वेबसाइट आपकी सारी फेवरेट वेबसाइट्स को एक जगह पर लाने में मदद करेगी और इसको एक्चुअल में आप लोग यूज कर पाओगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, कॉमेंट में जल्दी से नीचे आप लिख दो सिग्मा बैच ओपी, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, और अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। एक और बात जो बताना चाहता हूँ आप लोगों को वो ये है कि आप लोग अगर github.com/codewithhari पे जाओगे, रिपोजिटरी पे जाओगे, तो आपको सिग्मा वेब डेव कोर्स की गिटहब रिपो मिल जाएगी। अब इसमें सारे वीडियोज का मैंने अलग अलग करके फोल्डर बनाया हुआ है और कमिट भी अलग अलग फोल्डर के हिसाब से बनाए हुए हैं, तो आप लोग को मिल जाएंगे। तो आप लोग इसको एक्सेस जरूर से कर लेना ताकि जो सोर्स कोड है वो आप लोग को मिले। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वीडियोज के सोर्स कोड, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। अब हम लोग आज एक बहुत ही बेसिक वेबसाइट बनाएंगे, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगी क्योंकि वो हमारी पहली यूजफुल वेबसाइट होगी। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ पर सिग्मा वेब डेव वाले इस फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाऊंगा और उसका नाम मैं रखूंगा वीडियो 4, क्योंकि हमारा फोर्थ वीडियो है। तो वीडियो 4 नाम से मैं इसे बनाऊंगा, शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पर क्लिक करूंगा ताकि ये फोल्डर हमारा वीएस कोड में खुल जाए। ये करने के बाद मैं वही करूंगा जो कि हम हमेशा से करते आए, index.html, main.css या फिर style.css और उसी के साथ साथ script.js। ये तीन फाइल्स हम यूजुअली बनाते हैं। अगर मैं css लिखूंगा तो यहाँ डालूंगा, स्क्रिप्ट लिखूंगा तो यहाँ डालूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लिख कर कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट में लिख दूंगा माई बुक मार्क्स। ठीक है, तो ये बुक मार्क वेबसाइट हम बनाने वाले हैं और मैं मान लो यहाँ पर कोड विद हैरी लिख देता हूँ। तो इस तरह के टाइटल्स आप लोगों ने देखे होंगे। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा H1। अब H1 से क्या होता है, H1 से आप लोग हेडिंग लगा सकते हो अपने वेब पेज में। हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, हमने कहा था ये बताता है कि HTML पेज है, HTML lang is equal to en में lang एक एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू en है, यानी कि इस पेज का कंटेंट इंग्लिश में है, ये बताता है ये सर्च इंजन्स को, या फिर कोई भी इस वेब पेज का लिंक अगर लेके बैठा हुआ है तो उसको पता चल जाएगा कि ये वेब पेज इंग्लिश में है, वो उस हिसाब से इस वेब पेज को पार्स कर सकता है। ब्राउज़र को भी पता चल जाएगा कि जो आपका वेब पेज है वो इंग्लिश में है। अब यहाँ पर ये हेड होता है जिसके अंदर मेटा डेटा, कौन से टाइटल है पेज का, कौन सी CSS लिंक हो रखी है, सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है। बॉडी के अंदर मेन कंटेंट होता है। अब बॉडी के अंदर हेडिंग लगाने के लिए एक टैग होता है जिसका नाम H1 है और इसमें मैं लिखने वाला हूँ माई बुक मार्क्स। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ माई बुक मार्क्स तो ये H1 टैग से हम लिखेंगे, और यहाँ पर अगर मैं इसको लाइव करना चाहूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं और इसके बाद मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करूँगा, तो ये देखो ये माई बुक मार्क्स कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब H1 हमेशा हमें यूज़ क्यों करना चाहिए, डायरेक्टली मैंने माई बुक मार्क क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि मैं ब्राउज़र को बता रहा हूँ कि भाई साहब ये मेरी हेडिंग है और मेरी ये फर्स्ट लेवल की हेडिंग है। अब मान लो माई बुक मार्क्स के अंदर मैं दो तरह की बुक मार्क्स रखना चाहता हूँ, एक मेन बुक मार्क्स और एक सेकेंडरी बुक मार्क्स, तो मैं H2 का इस्तेमाल करूँगा यानी कि दूसरे लेवल की हेडिंग। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया तो आपको पता होगा कि H1 H2 क्या होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो मैं बता दूँ H1 होती है आपकी मेन लेवल की हेडिंग और उसके बाद जो दूसरे लेवल की हेडिंग होती है वो H2 से होती है। मान लो मैं कहता हूँ मेन बुक मार्क्स और सेकेंडरी बुक मार्क्स, मान लो मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की दबाऊंगा। मैं काम करता हूँ, स्क्रीन कास्ट मोड क्यों नहीं ऑन कर लेता, तो मैंने यहाँ पर क्या किया ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की दबाई, तो ये रेप्लिकेट हो गया, ये वीएस कोड का शॉर्टकट होता है। एक और वीएस कोड का शॉर्टकट आपको बताना चाहूँगा कि ऑल्ट अगर आप प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड में और उसके बाद जहाँ जहाँ आप क्लिक करोगे वहाँ वहाँ कर्सर बन जाएगा, जैसे कि मान लो मैं बाहर यहाँ क्लिक कर दूँ तो सिर्फ एक कर्सर आ जाएगा, लेकिन ऑल्ट दबाकर अगर मैं और जगह क्लिक करूं तो वहां पर कर्सर आते जाएंगे। जैसे मान लो मैं सारे बुकमार्क्स को बुकमार्क्स कोड विद हैरी करना चाहता हूं, तो माई बुकमार्क्स डैश कोड विद हैरी कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूं। कैसे किया मैंने ये, मैंने यहां पर क्लिक किया फिर उसके बाद ऑल्ट दबाया और जहां जहां ऑल्ट दबाए रहकर मैं क्लिक करूंगा वहां वहां मुझे मल्टीपल कर्सर्स मिल जाएंगे, फिर मैं जो कुछ भी टाइप करूंगा वो मल्टीपल कर्सर्स में आएंगे, जहां जहां कर्सर्स हैं वहां वहां जो मैं टाइप करूंगा वो दिखता जाएगा, है ना मजे की बात ये, लाइक कर दो इसी बात पे। तो मैं यहां पर कुछ इस तरह से इसको हटा दूंगा और आप लोग देखो ये अपडेट हो जाएगा, तो मुझे ये मेरी मेन हेडिंग है, ये मेरी H2 है। इसी तरह से H1 H2 से लेकर हमारे पास H6 तक हेडिंग होती है। जैसे मान लो आपने एक मेन हेडिंग दी, मेन हेडिंग के बाद आपने एक सेकेंडरी हेडिंग दी, फिर उसके बाद उसके अंदर भी कुछ हेडिंग देनी पड़ गई आपको, एंड सो ऑन, आपको बहुत सारी सब हेडिंग्स देनी पड़ गई, तब आप लोग H6 तक हेडिंग दे सकते हो। H6 मोर देन इनफ होता है, HTML के अंदर 6 तक डाली गई हैं हेडिंग्स, H7 की ज़रूरत आपको कभी भी नहीं पड़ेगी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बात की जाए तो, और अगर पड़ती भी है तो आप H6 को रिपीटेडली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये इतना छोटा होता जाता है H1 के बाद कि H6 आपका एकदम छोटू सा हो जाएगा, तो इतना छोटू सा आप चाहोगे नहीं कि हो। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की,
से इसको रेप्लीकेट कर लूँगा और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ऑल्ट दबाऊँगा। ये सब शॉर्टकट्स आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग की प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब मैंने दो कर्सर्स यहाँ पर और यहाँ पर लगा लिए, बैकस्पेस दबा के H3 कर दूंगा इसको, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ऑल्ट दबाऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, इसको H4 कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, इसको H5 कर दूँगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पर H6 कर दूँगा, तो H6 तक होता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग H1 ताकि आपको पता चल जाए, और मैं यहाँ पर यूजिंग तो लिख ही लेता हूँ कम से कम, स्पेस दबाऊँगा, यूजिंग लिखूँगा, H लिखूँगा, और यहाँ पर अब मेरा काम रह गया क्लिक करके बस 2, 3, 4, 5 और 6 लिखना। और आप देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो आपको पता चल गया कि भाई H1 ऐसा होता है, H2 ऐसा होता है, H3 इतना छोटा, H4 इतना छोटा, H5 फिर इतना छोटा, H6 इतना छोटा, और H6 से छोटा फिर क्या ही होगा यार, ये तो खत्म ही हो जाएगा फिर एक टाइम पर, ठीक है, तो H6 इज मोर देन इनफ। तो मैं आप लोगों को इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरा HTML का ट्यूटोरियल है, तो यहाँ पर मैंने मेन हेडिंग दे दी HTML इंट्रोडक्शन, इसके बाद मैंने यहाँ पर व्हाट इज HTML दे दी, फिर फीचर्स ऑफ HTML दे दिया, ये मैंने H1 से दी, ये मैंने H2 से दी, ये मैंने उसके बाद H2 के अंदर भी कोई चीज़ आई तो मैंने H3 से दी, उसके अंदर भी कोई चीज़ आई, जैसे यहाँ पर वाई द टर्म हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज था, ये हेडिंग 2 है, मेन हेडिंग पेज की क्या है HTML इंट्रोडक्शन, इसके बाद ये सब हेडिंग है, इसके भी अंदर मुझे कोई एक्सरसाइज देनी थी तो मैंने उसके अंदर भी H3 यूज़ कर लिया, फिर वापस मैं H2 में आ गया क्योंकि इसके अंदर थी, तो जो हायरार्की है वो बिल्ड करने में ये H1 H2 H3 H4 H5 H6 इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं यार आप बहुत स्लो स्टार्ट कर रहे हो, ये तो हमें आता है, तो यार मैं इस कोर्स को एज अ बिगिनर कोर्स बनाकर चल रहा हूँ। जब HTML मैं आप लोगों को बताता हूँ तो फिर आप लोग थोड़ा सा कहोगे हाँ यार ये तो बहुत ईजी है, फिर थोड़ा CSS बताऊंगा आप कहोगे हाँ यार ये भी आती है, फिर मैं कहूँगा JavaScript फिर आप कहोगे हाँ ठीक है थोड़ी थोड़ी आती है, फिर मैं कहूँगा Bootstrap फिर आप कहोगे हाँ ये भी हो तो जाएगी थोड़ी दिक्कत है, फिर मैं कहूँगा React आप लोगों को कह रहे ये क्या हो रहा है, फिर मान लो Node.js ठीक है, फिर उसके बाद मान लो मैं लेके जाता हूँ चीज़ों को MongoDB MySQL तक, फिर उसके बाद एक मतलब समझ लेवल इतना ऊपर जाएगा, मैंने बोला था ना विल रेज द बार लाइक एनीथिंग दिस इज व्हाट आई मेंट। तो जब रिएक्ट वगैरह हम लोग करेंगे, जब वहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवाऊंगा, जब खतरनाक चीज़ें करेंगे, तब मैं उन लोगों का कमेंट मांगूंगा नीचे कि भाई आप बताओ लेवल क्या है, ठीक है, तो लेवल की तो बात ही मत करना, लेवल तो उठने वाला है बहुत बढ़िया करके। तो ये हो गई हेडिंग्स हमारी, 6 हेडिंग्स जिनको मैं ऐसे के ऐसे ही रखना चाहूँगा। अब पैराग्राफ अगर हम लिखना चाहते हैं तो आप पी टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, पी एंटर मारेंगे ये पैराग्राफ आ जाएगा। अब एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, एमेट थ्रू वीएस कोड में अगर आपको डमी पैराग्राफ लेकर आना है तो क्या करोगे, आप यहां पर लॉरेम लिखोगे, मान लो मैंने लॉरेम 23 लिख दिया और यहां पर देखो एमेट एब्रीवेशन आ गई है लॉरेम 23 की, 23 वर्ड्स मुझे दे देगा कुछ इस तरह से। आप यहां पर व्यू पे क्लिक करके वर्ड रैप कर सकते हो तो आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं मिलेगा, तो ये व्यू वर्ड रैप कर लेना। अब यहां पर आप देखो लॉरेम इप्सम डॉलर सेट, ये यहां पर ये एक डमी टेक्स्ट आ गया। डमी टेक्स्ट हम क्यों चाहते हैं, कभी कभी इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम टेम्पलेट बना रहे होते हैं और उस टेम्पलेट को हमें किसी ना किसी चीज़ से भरना होता है। जैसे मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो जो कि ओयो रूम्स की तरह दिखता है, ठीक है, अब यहाँ पर ओयो बिकम अ मेंबर, ओयो फॉर बिजनेस, ये सब मान लो मुझे यहाँ पर लिखना नहीं है, मैंने यहाँ पर सिर्फ लॉरेम लिख दिया, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लिखना है मुझे, तो मैं यहाँ पर लॉरेम मान लो मुझे 7 वर्ड लिखते, तो मैं लॉरेम 7 लिख के एंटर मार दूंगा, फिर मैं ओयो वालों को दे दूंगा, उन्हें जैसे लिखना होगा वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेस होल्डर को फिल करने में आप लोग इसको जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। मेरा प्लान ये है कि हम पॉपुलर वेबसाइट के क्लोन्स भी बनाएंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। ये भी काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है वैसे, आप लोगों ने अगर इनकी सर्विसेज का इस्तेमाल किया तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम लोग आगे और चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ है उसको किस तरह से आपको स्टाइल करना है, और ये सारी चीज़ें CSS के थ्रू की जाती हैं। अब पैराग्राफ में आप यहाँ पर देखो, जब मैंने लॉरेम 23 लिखा तो इतने टेक्स्ट आए, अब मैं यहाँ पर P एंटर मारूंगा, अगर मान लो मैं यहाँ पर लॉरेम 10 लिख दूँ तो सिर्फ 10 वर्ड्स आएंगे, ठीक है, और अगर मैं चाहूँ लॉरेम 100 लिख दूँ बहुत ज़्यादा भर जाएगी मेरी पेज, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये लॉरेम वाली जो ट्रिक है ना, ये बहुत बढ़िया है, आप लोगों को मज़ा आएगा। और इस जब भी हम पॉपुलर वेबसाइट्स का क्लोन बनाएंगे, जैसे मान लो मैं amazon.in का क्लोन बनाता हूँ, ठीक है, amazon.in का क्लोन बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पर मान लो मुझे कुछ लिखना है, ठीक है, अब यहाँ पर तो इतना ज़्यादा टेक्स्ट मुझे दिख नहीं रहा, मान लो मुझे यहाँ पर 3 वर्ड्स लिखने हैं, तो मैं लॉरेम 3 लिख दूंगा, मैं नहीं सोचूंगा मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में, मैं यहाँ पर लॉरेम 4 लिख दूंगा, लॉरेम 3 लिख दूंगा, लॉरेम 2 लिख दूंगा, और टेम्पलेट बना के रेडी कर लूँगा, फिर उसके बाद जो भी चीज़ है वो मेरी डेटाबेस से में भी आएगी, और बहुत अलग अलग तरह से मैं जो अपने इन टेक्स्ट हैं उनको ला सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या ये कोर्स जॉब रेडी होगा, दी आंसर इज़ येस, ये कोर्स जॉब रेडी होने वाला है एब्सोल्युटली। मैं आप लोगों को ऐसा बना दूंगा कि आप लोग एक्चुअल में इंडस्ट्री लेवल की जॉब्स इस कोर्स की लर्निंग्स के थ्रू कर पाओगे। अब बात करते हैं कि HTML में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML में, जैसे कि मैंने HTML टैग को यूज़ किया, लैंग इज इक्वल टू ईएन, लैंग एक एट्रीब्यूट है, बॉडी में हमने कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया, H1 में हमने कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया, P में हमने कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं P में एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ जो कि इनलाइन CSS भी कहलाती है। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को अगर रेड कर दूँ,
ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा। इसको इनलाइन सीएसएस भी बोलते हैं, थ्रू स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल इज इक्वल टू करके अगर आप सीएसएस डाल दो, पहले तो हमने यहाँ पर डालना सीखी थी सीएसएस, लेकिन अगर आप स्टाइल इज इक्वल टू करके डाल दो तो आपको यहाँ पर ये बैकग्राउंड रेड मिल जाएगा। दिखा दूँ आपको मैं, ये रेड रेड मिल गया बैकग्राउंड आपको। ठीक है, इसको मैं टील कर लेता हूँ या ये कर लेता हूँ थिसल, ये कलर थोड़ा डीक लग रहा है। तो मैं स्टाइल इनलाइन भी लगा सकता हूँ, लेकिन जब आप इंडस्ट्री लेवल की वेबसाइट्स बनाते हैं तो इनलाइन स्टाइल्स का हम लोग इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, क्योंकि मेंटेनेबिलिटी कम हो जाती है, रीयूजेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो हम चाहते हैं ब्राउज़र पे छोटे से छोटा बंडल शिप करें और हमारी जो वेबसाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहे, इसलिए हम ये सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। बट इनलाइन सीएसएस में स्टाइल एक टैग है, बट यहाँ पर स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, पी एक टैग है, पी टैग का एक एट्रीब्यूट स्टाइल है, जिसके थ्रू हम लोग इस एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। हम लोग और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली एक एलिमेंट को इन्हांस्ड फंक्शनैलिटी देते हैं, जैसे कि इस वाले पैराग्राफ को हमने एक स्टाइल दे दिया जो कि था बैकग्राउंड कलर थिसल। ये बैकग्राउंड कलर देने के लिए हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया। इसी तरह से प्रॉपर्टीज देने के लिए किसी भी एक टैग को, किसी भी एक एलिमेंट को, हम इस तरह के एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हमने लिंक की बात की थी, लिंक कोलन सीएसएस की बात की थी, लिंक में रेल एक एट्रीब्यूट है, एचआरएफ एक एट्रीब्यूट है, तो ये एट्रीब्यूट से हम क्या कर सकते हैं, इस वाली सीएसएस स्टाइल शीट को लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं बैकग्राउंड कलर, मैं कहूँ यहाँ पर बॉडी पहले, ठीक है, बॉडी में हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर। और आप लोग इसकी टेंशन मत लेना, टेंशन बिल्कुल मत लेना इसकी कि यार ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि सीएसएस में ये सब बताया जाएगा। बट जस्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मान लो हॉट पिंक करता हूँ मैं इसको, ठीक है, वीएस कोड की एक और फंक्शनैलिटी सुन लो, ये निंजा टेक्निक बहुत काम आएगी। यहाँ पर होवर करो माउस और यहाँ पर इस तरह से आप जो है जो मनचाहे कलर चुन सकते हो उसके आसपास का, इस तरह से। जैसे मैं इसको छोड़ दूँ और ऐसे करूँ तो आप देखो यहाँ पर जो मेरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो ये हो गया। कैसी लगी निंजा टेक्निक कमेंट में लिख दो, निंजा टेक्निक बढ़िया लग गई भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ पर index.html में हम वापस आ चुके हैं। मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा तो ये जो स्टाइल शीट की नहीं रहेगी, विच इज़ वेरी नेचुरल। जो बैकग्राउंड कलर था वो स्टाइल शीट से आ रहा था, हट गया। ये बैकग्राउंड कलर इनलाइन सीएसएस से आ रहा था तो ये नहीं हटा, विच इज़ वेरी नेचुरल। ठीक है, बहुत नॉर्मल है। यहाँ पर मैंने ये स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर थिसल किया था, जिसकी वजह से इसका बैकग्राउंड कलर थिसल दिख रहा था। अब हम जल्दी से बुकमार्क बनाने वाले हैं, एक बुकमार्क मैनेजर बनाने वाले हैं, बुकमार्क manager.html। और मैं इसको एक अलग फाइल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को अलग अलग तरह की हेडिंग्स बता दी। मैं एक यूज़फुल बुकमार्क मैनेजर बनाने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बुकमार्क मैनेजर। अब आप लोग कहोगे क्रोम में तो होता ही है, बुकमार्क मैनेजर क्यों बना रहे हो भाई, ये हमारे हाथ का बना हुआ है, ये हमारा अपना बच्चा होगा, हमने बनाया है इसको, तो आपको इसके प्रति एक अलग ही प्रेम होगा, क्योंकि भाई ये जो है आपने खुद बनाया, एक सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया, आपने खरीदा कहीं से एक सॉफ्टवेयर, आपने खुद बनाया, तो जो खुद बनाया सॉफ्टवेयर उसकी बात ही और होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो बुकमार्क मैनेजर कोडवेज हरी लिखा, मैं यहाँ पर H1 लिखूंगा और लिखूंगा माय बुकमार्क्स। ठीक है, मैंने लिखा माय बुकमार्क्स, अब मैं इसके बाद H2 लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्राइमरी बुकमार्क्स, और इसके बाद मैं यहाँ पर H2 से ही लिखूंगा सेकेंडरी बुकमार्क्स। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर ऑल शिफ्ट बॉटम स्पेस कर दूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ सेकेंडरी बुकमार्क्स, तो क्या होगा, यहाँ पर मैं सेकेंडरी बुकमार्क्स लगा सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ के अंदर लिखूँगा गूगल, या फिर मैं ऐसे ही लिखता हूँ गूगल। ठीक है, इसको हम लिस्ट से वैसे लिखेंगे, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से लिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी के लिए आप ऐसे ही समझ लो गूगल। मान लो मैं यहाँ पर इसको गूगल को यहाँ पर लिखता हूँ ओपन गूगल, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा एंकर टैग का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं ए में जैसे ही एंटर मारूंगा, ए का एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट होता है एचरेफ। एचरेफ मतलब कि क्लिक करके उसको किस लिंक पर जाया जाए। तो एचरेफ इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा https://www.google.com। तो इस एड्रेस पर जाया जाएगा जब भी कोई ओपन गूगल पर क्लिक करेगा, और ये जो ओपन गूगल है इसको मैं कट करके यहाँ पर डाल दूंगा, यानी कि जो कंटेंट है स्टैक का ये ऐसे रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ahrefs इक्वल टू ये आया, ओपन गूगल आ गया। इसको एंकर टैग बोलते हैं, जो कि हम लोगों को लिंक्स बनाने में मदद करता है। आपने इस तरह के लिंक्स बहुत सारे देखे होंगे। अब आप यहाँ पर देखो कि जैसे ही मैं bookmarkmanager.html में जाऊँगा, आप देख सकते हो यहाँ पर कि इस तरह से आपको सारे बुकमार्क्स देखने को मिल रहे हैं ओपन गूगल। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो गूगल खुल जाएगा, आप देख सकते हो। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी, जब मैंने इस पर क्लिक नहीं किया था तब इसका कलर ब्लू था, अब मैंने इसको विजिट कर लिया तो इसका कलर चेंज हो गया। तो इसका कलर चेंज हो जाता है जब आप इसको विजिट करते हो, यानी कि एक विजिटेड लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। तो मुझे पता चल रहा है कि इसको मैंने विजिट कर लिया है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि यहाँ पर हम अगर चाहते हैं कि ये नई टैब में खुले, जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये उसी टैब में खुल रहा है। नई टैब में अगर आप लोग इसको खोलना चाहते हो तो दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप अपने माउस का ये जो व्हील होता है ना, ये वाला, ये जो माउस व्हील होता है ना, ये इसको क्लिक कर सकते हो ऐसे। एक दूसरा तरीका अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि कोई क्लिक ही करे तो नए टैब में खुले, तो आप एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहाँ पर लिख सकते हो
कि टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, और वीएस कोड आप लोगों को सजेशन देता जाता है, तो दो एंटर मार के ही मैंने इसको लिख दिया। नोटपैड में लिखते हैं, किसी और सस्ते एडिटर में लिखते तो आप लोगों को क्या होता, मतलब क्वालिटी के हिसाब से सस्ता, फ्री तो वीएस कोड भी है बट क्वालिटी के हिसाब से अगर सस्ता एडिटर आप यूज़ करोगे तो टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा, थोड़ा पेन हो जाता है। बट अगर आप किसी भी तरह से इसको लिख दो और क्या होगा, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं क्लिक कर रहा हूँ, माउस व्हील क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करूँगा नए टैब पे आया, ठीक है, माउस व्हील क्लिक करूँगा तब भी नए टैब में ही खुलेगा, तो इस तरह से मैं इसको खोल सकता हूँ। अब मैंने तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा ओपन गूगल लिख दिया है, आप चाहें तो अपनी मनपसंद वेबसाइट, जो भी वेबसाइट आपकी सबसे मनपसंद है उसको आप लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स ही लगाए हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा ओपन फेसबुक, और यहाँ पर आप देखो www.facebook.com, और मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोरा.com और codewithhari.com, और इसके बाद यहाँ पर हम लगा देते हैं लेट अस से कौन सी वेबसाइट लगाऊं मैं, youtube.com, चलो देखते हैं कि ये यहाँ पर आया कि नहीं आया। आपने एक चीज़ देखी यहाँ पर, ये एक ही लाइन में आया जा रहा है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन में ना आए तो आप क्या करेंगे, आप इनको अपने अपने पैराग्राफ्स में डाल देंगे। ये एक बहुत ही डर्टी वे है, मैं इसको क्यों डर्टी वे बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसको आप एक पैराग्राफ में इनक्लोज कर दो अगर आप चाहते हो, और मैं शिफ्ट दबाऊंगा, राइट एरो की दबाऊंगा, कंट्रोल एक्स करूंगा, फिर इसके बाद एंड की दबाऊंगा, सारे कर्सर्स एंड में चले जाएंगे क्योंकि एक कर्सर पर अगर एंड की दबाते हैं तो वो एंड में चले जाते हैं, और इसके बाद कंट्रोल वी कर दूंगा। अब ये मैंने बहुत शॉर्टकट यूज़ किया, और आप में से कई लोग तो ऐसे हो जाएंगे हाँ ये क्या किया, अगर आप बिगिनर हैं तो, बट मैंने सिंपली क्या किया कि वीएस कोड की फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल किया, मल्टीपल कर्सर फंक्शनैलिटी का, ऑल्ट दबा के मैंने मल्टीपल कर्सर्स लाया मैं, और उसके बाद मैंने उसको यूज़ किया। ये आइडियली एक अच्छा तरीका नहीं है पैराग्राफ्स को यूज़ करके, हम लोग कभी भी लिस्ट नहीं बनाते हैं, हम लिस्ट यूज़ करके बनाते हैं, बट क्योंकि हमने लिस्ट नहीं पढ़ी है तो हम पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं, बट ये हमारा काम कर देगा, ये अब कुछ इस तरह से दिखेगा। और जो जो हमने विजिट नहीं किया देखो वो ब्लू है, फेसबुक विजिट किया इसका कलर भी पर्पल हो गया, कोरा विजिट किया इसका कलर भी पर्पल हो गया, तो अब ये आपके प्राइमरी बुकमार्क्स हैं। सेकेंडरी बुकमार्क्स आपके कौन से होंगे, हम दो सेकेंडरी बुकमार्क्स डालते हैं। सेकेंडरी बुकमार्क्स मान लो आपके वो होते हैं जो कि आप कभी कभी जो है विजिट करते हो, मान लो wikipedia.com आ गया यहाँ पर, और मान लो stackoverflow.com, स्पेलिंग हम लोग सही से लिखेंगे stack overflow का एस कैपिटल कर देते हैं, और अब आप देखो यहाँ पर सेकेंडरी बुकमार्क्स में आपके विकीपीडिया और स्टैक ओवरफ्लो आ गए, तो ये आपका एक बुकमार्क मैनेजर बन गया, और आप इस बुकमार्क मैनेजर को और भी अच्छा बना सकते हो। हम लोग CSS से स्टाइलिंग आगे सीखेंगे, तो अगर आपको ये अगली दिख रहा है तो टेंशन मत लेना, ये मत कहना कि यार ये तो बड़ा गंदा सा अगली सा दिख रहा है, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि हम आने वाले टाइम में स्टाइलिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, उन सब चीज़ों पर बातें करेंगे, अभी के लिए आपका बुकमार्क कुछ इस तरह से दिख रहा है। बुकमार्क मैनेजर कोड विद हरी आपका टाइटल है, और मैं इसको H1 में भी लिख देता हूँ, तो दोनों सेम हो जाएंगे हमारे टाइटल और H1, यानी कि ये जो टाइटल है हमारा ये भी सेम हो जाएगा, और माई बुकमार्क्स कोड विद हरी यहाँ पर भी लिख कर आएगा। तो इस तरह से आप लोग एक बुकमार्क मैनेजर बना सकते हो, इसको आप एक्चुअल में यूज़ कर सकते हो। अब इसको आप लोग अगर कुछ इस तरह से सेव करते हो, जैसे कि मेरी ये बुकमार्क मैनेजर .html है, इसे कॉपी करके आप लोग चाहो तो अपने डेस्कटॉप पे डाल सकते हो, फिर जब भी आपको कोई वेबसाइट खोलनी है आप इसको सिंपली डबल क्लिक करो, ये खुल जाएगी। अगर मान लो ये डबल क्लिक करके वीएस कोड से खुलती है तो आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, ओपन विद करना होगा, चूज़ अनदर ऐप करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद यहाँ पर गूगल क्रोम को चुन के ऑलवेज करना होगा। तो जैसे मैं इसको गूगल क्रोम को चुनूंगा और मैं यहाँ पर ऑलवेज कर दूंगा, तो हमेशा जब भी मैं डबल क्लिक करूंगा गूगल क्रोम से ही खुलेगी। तो ये था हमारा बुकमार्क मैनेजर, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया। अब मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज हमारे 4 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं, तो अगर आप लोगों को कोर्स अच्छा लगा मैं चाहता हूं कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करो। मुझे पता है बहुत कम लोग शेयर करेंगे, बट अगर आप लोग करोगे तो काफ़ी मेरी हिम्मत बढ़ती है, और इस तरह के और कोर्सेज लाने की मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग चौंक रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये कोर्स फ्री कैसे है, आपका क्या फ़ायदा, आप कैसे कमाओगे, अरे यार आई विल फाइंड सम अदर वेज़ टू मेक मोर मनी, बट द थिंग इज कि ये कोर्स को मैं ऐसा मार्क करने वाला हूँ कि यार ये सबसे बढ़िया कोर्स है वेब डेवलपमेंट का, सब कुछ के साथ, मतलब इसमें सब कुछ मैं डाल दूंगा, और आपका कम से कम टाइम लेके आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊंगा। काफ़ी एडटेक्स मुझसे नाराज हुए, बहुत सारी कंपनीज ने मुझसे कहा था इसको पेड कोर्स लॉन्च करते हैं यार हमारे प्लेटफॉर्म पर कर दो, नाम नहीं लूंगा बट बहुत सारी कंपनीज मेरे से नाराज हैं, और उन्होंने मुझसे कहा था कि यार इसको एज अ पेड कोर्स लॉन्च करते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो, यू विल रिग्रेट योर डिसीजन, बट होपफुली मैं रिग्रेट नहीं करूंगा अपना ये डिसीजन इस कोर्स को फ्री बनाने का, पैसा दूसरे तरीकों से कमा लूंगा, और आपको भी इस कोर्स में सिखाऊंगा कि वेब डेवलपमेंट के थ्रू ही आप लोग किस तरह से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। विद दैट सेट, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा इसका सोर्स कोड, वरना आप इस रिपोजिटरी से जो है ले लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।